3, 12, 27, 48 अगला नंबर क्या होगा? वेल देखो, दो बड़े हैम लॉजिक से हो सकता है। अच्छा एक बात सुनो, आपने ऑप्शंस भी देखने होते हैं। अगर किसी एक लॉजिक से फर्ज करें आपका आंसर 70 आ रहा है लेकिन 70 का ऑप्शन ही नहीं है तो इसका अलग वाली लॉजिक ही नहीं है। ऑप्शन 74, 75, 76 दिया हमें। तो देखो दो लॉजिक हैं, दोनों बताता हूँ। पहला इवन डिजिट होता है 2, ठीक है, उसका स्क्वायर लें और 2 का हाफ क्या होता है 1, माइनस कर दें 4 - 1 = 3। अगला इवन डिजिट क्या आता है 4, उसका स्क्वायर लें, 4 का हाफ क्या होता है 2 का स्क्वायर माइनस कर दें। अगला इवन डिजिट क्या होता है 6 का स्क्वायर लें, 3 का स्क्वायर माइनस कर दें, उसका अगला इवन डिजिट होता है 8, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 का स्क्वायर 16। देखो ना यार, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 3, 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 12, 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 27, 8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 48। अगला इवन डिजिट क्या होगा 10 और उसका हाफ 5, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 5 का स्क्वायर 75। एक तो ये लॉजिक है और एक और भाई ने लॉजिक बताई थी जी, सारी लॉजिक देख लें। 3 × 1 = 2, 3 × 2 = 3, 3 × 3 = 3, 3 × 4 = 3 × 5 = देखो 3 × 1 = यानी कि 3, 3 × 2 = यानी कि 12, 3 × 3 = 27, 3 × 4 = 48। तब क्या होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर 75। दोनों से आंसर आ रहा है, सेम आ रहा है।